सो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं, बैग अपने बांध लिए हैं और आज की टोटल लर्निंग आपको साथ ही लॉगिन, कितने घंटे की लॉगिन टोटल लर्निंग दिखाने वाले हैं चंडीगढ़ की। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारी आईडी ऑन नहीं है, पहले अभी हम जाके कुछ नाश्ता वगैरह कर लेंगे, आधा घंटा पड़ा है अभी हमारे पास आईडी ऑन करने के लिए। तो तब तक चलते हम कुछ खा पी लेते हैं। मार्केट में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर कुछ खाने का देखते हैं क्या मिलता है। भाई साहब कैसे थे भाई प्लेट? चपाती है, कढ़ी चावल है। क्या प्लेट है भटूरों की? 40 लगा दो एक प्लेट। सो गाइज नाश्ता कर लिया, आईडी ऑन हो गई है। तो अभी थोड़ा मार्केट से, वैसे तो मार्केट के पास ही है, पर थोड़ा मूव करते हैं और देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर हमारा कब रिसीव होता है। मैं अभी तो अभी चलते हैं एक बार हम चिंटू के पास, वो आज अपनी बाइक इंजन करवा रहे हैं, तो ये जब तक ऑर्डर नहीं बचता तब तक उसके पास चलते हैं हम। ओके, पहुंच गए लोकेशन पर जहां पर हो रहा चिंटू दिख गया। ठीक है, आओ खाली याद आ गया, मिठाई मिठाई नहीं लाए। अबे इंजन कहाँ गया? इंजन मेरा। वो रुकवा दे इस पे इलेक्ट्रिक मोटर। क्या सोच रहे हो? मोटर 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 यहाँ कहाँ मिलेगी यार? लगेगी जितने की बैटरी, मोटर बहुत महंगा है, जितने का इंजन आएगा ना 30-35 हज़ार से कम खर्चा तो आएगा। क्यों भाई? बात तो सही है। उसकी ओला वाले की है, 20 हज़ार की मोटर है उसकी, ओला की बैटरी बैटरी अलग से निकल जाता है। ऐसा तो नहीं करता गड्ढे गुड्ढे में? ना ना वैसे नहीं, मेरे पास ही थोड़ा वैसे नहीं है। वीडियो क्वालिटी बढ़िया, वो जबरदस्त है। ये कौन से कंपनी का है? GoPro 8 हीरो का। ये GoPro ही है, ये GoPro 8 हीरो का होगा ना, कंपनी हीरो की होगी। GoPro कंपनी ही GoPro है, ये तो ब्रांड का नेम है GoPro। तो पहला ऑर्डर बच गया 12:51, मतलब कि पूरे 50 मिनट बाद पहला ऑर्डर बजा। अभी चलते हैं गाइस फर्स्ट ऑर्डर लेने। ओ रे, काफ़ी टाइम बाद बजा एक ऑर्डर है, तो चलो शुरुआत तो हुई, बढ़िया हो गई है। ऊपर देना अभी पास ही है, आफ्टर डिलीवर दिखा देंगे कितने का बचा था। फर्स्ट ऑर्डर पिकअप कर लिया, अभी चलते कस्टमर लोकेशन। सेफ्टी से रख लिया हमने ऑर्डर। कस्टमर लोकेशन है यहाँ से 3 किलोमीटर। लेट्स गो। उस पर वीडियो डालता हूँ। हाँ नहीं अभी तो नहीं, अभी तो करी है शुरुआत से, देखते हैं अभी। ये कैमरा अलग अलग रेट के होते हैं सारे, हो जाते हैं 10 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाते हैं इनके। सो गाइस ऑर्डर पिक कर लिया, अब हम चलते हैं। यार काफ़ी लंबी लंबी पिकअप है और
रेट भी कुछ नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे कैसे चलेगा। 4 किलोमीटर से ऑर्डर पिकअप करने आया हूँ और 3.5 किलोमीटर पर ड्रॉपिंग करनी है, और भाई इस ऑर्डर के मेरे को दिखाया 30 रुपये। अब बताओ, चलो बाकी चलते हैं फिर भी यार, काम तो करना ही है अब। तो दोस्तों थर्ड ऑर्डर भी हमारे पास आ चुका है, जो कि ओनली 20 रुपीज़ का, 1.5 किलोमीटर की पिकअप है और 500 मीटर का ड्रॉप। तो चलिए अभी रेस्टोरेंट चलते हैं अभी हम। अरे 20 रुपये का ऑर्डर है, आधा घंटा वेट करने के बाद ऑर्डर मिला है। ओ यार, कस्टमर का भी फोन आ गया मेरे पास। ऑर्डर 2.6 किलोमीटर पिकअप एंड ड्रॉप है, 4.25 किलोमीटर की, 36 रुपये। कैसे लेना भाई? 6270। हो गया, लेट्स गो। अब चार्जिंग लगा लेते हैं, बैटरी होगी डाउन, 33% रहेगी बैटरी। फ्रंट में भी वही लग रहा है, चंडीगढ़ नंबर है। हाँ वही है, सेम टू सेम लगभग। कौन आ रहा है इधर? इंडियन? अच्छा टीम, इंडियन मुंबई टीम। हाँ इंडियन टीम रिवाना हो रही है यहाँ से। खेल खत्म हुआ, वही साफ पूरा जाम लग गया। दुपट्टा आ रहा है नीचे इधर, ये ऊपर कर लो। हम आपको थोड़ा अपडेट दे देते हैं अपना। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 7:48 और 12 बजे आईडी ऑन करी थी, 1 बजे ऑर्डर बजा था पहला। 7.3 घंटे हो गया, 14 ऑर्डर, 443 का काम अपने आप को। यस डायमंड पार्टनर, यू लॉस हो गया। तो 7 घंटे में एक काम हुआ 443 का, 23 रुपये और कमाया भाई हमने। 4 किलोमीटर का ऑर्डर दिया, ओ ट्रिप डिस्टेंस टोटल। नेक्स्ट ऑर्डर वेट करते हैं यार, इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा। 7 से 11 में 3 घंटे 30 मिनट की मांग रखी है, 6 से 8 इनकम्प्लीट। जोमेटो वाला वो खड़ा, हाँ जी। वाह तुम तो कैमरा लगा के ब्लॉगिंग करते हो भाई। हाँ जी भाई, अंदर तो नहीं देंगे ये, इसको छुड़ाना पड़ेगा। जोमेटो की डाल आईडी कार्ड, पहले ट्रांसफर करो यार। हां भाई, हां ब्लॉगिंग जोमेटो शक्ति द्वार
करो रीच करो। वो क्या कह रहे हैं, ओरिजिनल आधार कार्ड देना पड़ेगा, डिजिटल नहीं चलेगा उनके पास। ये बैठा मैं भी ऐसे करो रीच तो करो, डाल देना हेल्प में जो कैंसिल होगा। और क्या और क्या करेंगे फिर, काम खराब हो गया भाई। मैं बुलाया भी चंडीगढ़ से ना, मैं तो आईडी प्रिंट करके भाई घर चला जाऊंगा अपने। पाव जी का लेके आया क्या? पाव जी से लाया, इंडस्ट्रियल एरिया से। आईडी बंद हो जाएगी मेरी, पता नहीं हो जाएगी बंद, ट्रांसफर पे तो लगभग हो ही जाती है। बस एक घंटे के लिए कम से कम, और पैसे भी कुछ नहीं दिए। मैं तो ट्रांसफर कराता नहीं, मैं तो कैंसिल कराऊंगा सीधा। करते क्या भाई हम, मगर जब एंट्री नहीं दे रहे यहाँ पे हम क्या करें। हमारे को डी चीज है यही बोलेंगे। कस्टमर क्या करे, कस्टमर बाहर नहीं आएंगे। इनकम्प्लीट में डाला है, पैसे भी कोई नहीं दिए, नहीं देते। तभी तो मैं कह रहा हूँ ट्रांसफर तो कराने का फायदा होता ही नहीं। मेरा कस्टमर बोल रहा है कि 10-15 मिनट भैया रुको, वहाँ भी बात कर लेते हैं। मगर ये डिजिटल है हमारे पास, डिजिटल ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कंपनी को कॉल कर रहा हूँ, कंपनी के थ्रू बात करता हूँ। कितना किलोमीटर, चार्ट स्पोर्ट के थ्रू? हाँ 7 किलोमीटर आ गया था। बात कहाँ, इनसे बात करनी पड़ेगी। डिजिटल का क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल इन पे पीसी होगा, कहते ओटीपी दे देते हैं, डाउनलोड कर लो ओरिजिनल। और क्या पीसी पूछ, कुछ नहीं होता इन पे। ओहो यार, कौन रखता है आजकल यार डॉक्यूमेंट जेबों में, क्या करें, मजबूरी आ गई अब तो अपने सामने। कंपनी फिर हमें कल ठहराएगी। सो गाइस, कस्टमर से रिक्वेस्ट करने के बाद वो गेट पर आए और अपना ऑर्डर लेकर के चले गए। तो काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद कि कस्टमर आ गए, क्योंकि हार्ड कॉपी यहाँ पर मांगते हैं एंट्री करने के लिए, बट वो हमारे पास थे नहीं क्योंकि बारिश के मौसम थे, इसलिए हमने वो घर पे रखे हुए थे। तो गाइस यही था, और यहाँ पर शक्ति द्वार है ये तोप चौक, इसके अंदर जाने के लिए हार्ड कॉपी ही चाहिए होती है। तो गाइस इस दिन पे मेरा इंसेंटिव बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे मैंने ऑर्डर दिया था, आप देख सकते हैं इसमें कि मैंने 7/19 पर, मेरे पास 7/9 पर ऑर्डर साइन हुआ था और मैंने पिकअप किया था 7/19 पे, और उसके बाद 7/40 पे मैंने डिलीवर कर दिया था, ये देख सकते हैं। बट उसके बाद गिग मेरी इनकम्प्लीट हो गई। तो दोस्तों अभी मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था। एक्चुअली मेरे फ़ोन की ना बैटरी थी जो, वो डाउन हो चुकी थी, और जैसे ही वहाँ पर मेरी आईडी पे लिखा है कि ब्लॉक्ड, तो उसी टाइम मेरे पास ऑर्डर भी बच गया, मतलब कि ऑर्डर असाइन हो गया लेकिन वो ब्लॉक होने के बाद। तो मतलब कि जो ऑर्डर बचा था वो आईडी ऑफलाइन थी, बैकग्राउंड में आईडी ऑफलाइन थी मेरी, बट ऑर्डर रनिंग में था क्योंकि ब्लॉक होने के बाद आईडी में, तो वो मेरा काउंटिंग नहीं हुआ लॉगिन, जिसकी वजह से मेरा इंसेंटिव चला गया और गिग इनकम्प्लीट हो गई थी। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी मेरा ये काम ये था, वरना इसमें 500 रुपये इंसेंटिव ऐड होना था, और इसके बाद आप देख सकते हैं अब 919 रुपये का काम है टोटल।